हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ये चार चीज़ें बताऊंगा। जैसे सबसे पहला है व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या कराया गया, क्या उसके रिजल्ट थे, क्या ऑब्जर्वेशन थे, सारी बातें। सेकेंड चीज़, यहाँ पर कुछ ग्राफ्स मैंने बनाए हैं, ये आपने बुक्स में भी देखे होंगे। इन ग्राफ्स का क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको बताएंगे। थर्ड वन इज़ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करा गया उसके क्या लॉस, मतलब क्या रिजल्ट निकल कर आए। और चौथी चीज़, क्लासिकल वेव थ्योरी कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। क्लियर? तो मतलब कि इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थोड़ी गहराइयों में, थोड़े डेप्थ में जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आर के फिजिक्स पॉइंट में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आराम से बैठिएगा, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, सब कुछ आपको बिल्कुल हौले हौले प्यारे प्यारे से समझ में आएगा। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी है। जैसे सबसे पहले टर्म यहाँ पर आप पढ़ते हो, जिसका नाम है वर्क फंक्शन। ठीक है, आराम से, सिंपल है बिल्कुल। वर्क फंक्शन, जिसको हम डब्ल्यू से या फिर फाई से भी डिनोट करते हैं किसी किसी बुक में। अब ये है क्या, मैं आपको थोड़े सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी, मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है, ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस है, मेटल सरफेस। आप भी जानते हैं कि कोई भी मेटल हो उसके अंदर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के हर जगह, मतलब कंडक्टर के हर पॉइंट में मूव करते हैं। बहुत बढ़िया, ये रहे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप थोड़ा सा सोचें इस चीज को, तो आपको एक चीज समझ में आती है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर के सरफेस से बाहर नहीं निकलते कभी भी। ऐसा नहीं होता कि आपने बैटरी लगाई कंडक्टर बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता। निकल सकते हैं, ऐसा नहीं निकल नहीं सकते, निकल भी सकते हैं, लेकिन पहले ये समझना पड़ता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल पाते, क्यों नहीं निकल पाते, बिकॉज ऑफ एटम्स। अरे ये इलेक्ट्रॉन एटम से तो बाहर निकले हैं, तो ये रहे देखो हमारे एटम हो गए, और एटम कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एटम की वजह से बेचारा दबा हुआ है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में चारों तरफ घूम सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता, है ना। वो घर वाली बात होगी, तुम घर में भैया कहीं पर भी जाओ लेकिन बाहर नहीं जाएंगे भाई साहब। कौन पकड़ के बैठा है आपको, ये प्लस चार्ज पकड़े बैठा है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दूं, ये मान लीजिए मैंने बाहर से भैया इसको एनर्जी दी, मैं उसको बाहर से ललचा रहा हूँ कि ले भे ले, ले भे ले, एनर्जी ला एनर्जी ले एनर्जी ले, अपना घर छोड़ अपना घर छोड़, घर बोले तो कंडक्टर हो गया। ठीक, अब वो बेसिकली हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके पास अगर इतनी एनर्जी हो जाए जो वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को अगर अपोज कर सके, मतलब उसको भी लड़ सके, तो बेसिकली होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मेटल सर्फेस के बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसको हम बोलते क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिजन। इलेक्ट्रॉन का इमिजन, मतलब एमिजन करना मेटल सरफेस से, इसको बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिजन। ठीक है, और जो यहाँ पर जो मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है बाहर आने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject electron from metal surface वर्क फंक्शन हर मेटल की अलग अलग होगी। कितनी बार समझ में आती है, क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इमिजन है, ये भी तीन तरीके से क्लासिफाई करा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन इमिजन को भी अगर आप देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं, मतलब एनर्जी तो देनी है तो एनर्जी भी तो आप बहुत तरीके से दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक होता है आपका थर्मोइनिक इमिजन, थर्मोइनिक इमिजन। अब थर्मोइनिक इमिजन का मतलब क्या है कि भाई आपने हीट दी, इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और मेटल सरफेस के बाहर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड थर्मोइनिक इमिजन। सेकेंड हमारा होता है इलेक्ट्रिक इमिजन, इलेक्ट्रिक इमिजन, भाई आपने बिजली पास करी, आपने इतनी अच्छी बिजली पास कर दी कि इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और मेटल सरफेस के बाहर आ जाएगा। और तीसरा होता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं फोटो इमिजन, जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, दैट इज फोटो इमिजन। कि लाइट आपने फेंकी मेटल सरफेस के ऊपर, लाइट रे फेंकी, कोई भी यूवी रे या कोई भी, और इलेक्ट्रॉन उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं फोटो इमिजन।
और इसी को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट निकाले, ऐसे रिजल्ट निकाले जो क्लासिकल वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो क्या सर्किट डायग्राम था, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन था और क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी। क्लियर है? इतना नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं वीडियो को मतलब वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हटा देते हैं इसको। तो चलिए अब मेन हेडिंग डालते हैं हम, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वही चीजें हैं, ध्यान समझिएगा कि फोटो मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, फोटो मतलब कि यहाँ पर लाइट है और इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर करंट बनेगी, मतलब कि यहाँ पर इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का बाय लाइट, लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा और एक करंट बनेगी जिसको हम फोटो करंट बोलेंगे और इसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सिंपल बेसिक डेफिनेशन, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय लाइट टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस फोटोकरंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब लाइट एनर्जी के गिरने के बाद जो बाहर निकल रहे होंगे उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? अब इसका सर्किट डायग्राम देखिए कि भैया कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन क्या करा गया। यहां पर एक क्वार्ट्ज की ट्यूब ली गई, मतलब एक ग्लास की ट्यूब ली गई कुछ इस तरीके से, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक क्वार्ट्ज की ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे वैक्यूम है और कुछ भी नहीं है, कोई भी गैस नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये दो मेटल की प्लेट्स हैं, इसको नाम दे दीजिए मेटल की प्लेट ए और इसको हम कह दीजिए मेटल की प्लेट बी। ठीक है, ये हमारे पास एक हाई वोल्टेज है, ये हमारे पास एक हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज प्लस और माइनस। ठीक है, इसको बेसिकली हम अप्लाइड वोल्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं अप्लाइड वोल्टेज, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब ये जो ग्लास के ट्यूब आप जो देख रहे हैं, इस ग्लास के ट्यूब में एक छोटी सी विंडो होती है इस साइड, ऐसे करके देखो यहाँ पर इस साइड, तो ये एक विंडो है जहां से बेसिकली हम लाइट को, यहां से बेसिकली हम करेंगे क्या, यहां से हम जो हमारा लाइट का सोर्स होगा, ये हमारा लाइट का सोर्स है, अभी कुछ भी हो सकता है, यहां से लाइट रेज आएंगी और इस मेटल की प्लेट के ऊपर गिरेगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? कोई सिंपल मतलब कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए। क्लियर है बिल्कुल? एक सेकेंड, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास बेसिकली एक विंडो होगी, ये लाइट का सोर्स होगा जहां से लाइट रे इस प्लेट के ऊपर गिर रही होगी। अच्छा, जहां पर लाइट रे गिर रही होगी उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? वो जो प्लेट होती है वो होती है फोटो सेंसिटिव प्लेट, मतलब लाइट के टुवर्ड्स वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। ये जो ए वाली प्लेट है, इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। ठीक है, और इसके जो साइड वाली है, बिल्कुल इसके जो सामने वाली प्लेट होती है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। बताऊंगा इसको कलेक्टर प्लेट क्यों कहते हैं, बी वाली को। ठीक है, दोनों ही मेटल्स की प्लेट होती है और ये जो आपको एक ट्यूब सी दिख रही है, इसको मैंने अभी आपको बताया क्या बोलते हैं, क्वार्ट्स ट्यूब। ओके, यहां तक क्लियर है? हाई वोल्टेज हो गया, यहां तक सिंपल बात समझ में आ गई। तो ये एक सिंपल डायग्राम है जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करा गया। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, हर्ट्ज ने बेसिकली ये देखा कि जब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर लाइट नहीं डाल रखी, मान लीजिए हमने कोई लाइट नहीं डाल रखी और मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया, मान लीजिए एक स्विच भी बना लेते। ठीक है,
मान लीजिए अगर मैं कोई लाइट रे ना डालूं और मैंने स्विच को ऑन करूं तो क्या मुझे करंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। द रीजन इज, रीजन ये कि जो सर्किट है वो क्लोज नहीं है भाई। दो रोड ऐसे करके रखी हुई है, बीच में यहाँ पर बैटरी लगा रखी है और कोई लाइट बैठ रही है। जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा तो क्या मुझे कोई करंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। पोटेंशियल कुछ भी हो बट करंट जीरो है क्योंकि क्लोज लूप नहीं बन रहा। लेकिन जब हर्ट्ज ने एक चीज करी, उन्होंने क्या काम करा, इस विंडो से लाइट को फेंक के मारा। अब जैसे ही लाइट को फेंक के मारा तो हमें यहाँ पर एक करंट देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? करंट। ध्यान समझिएगा, आराम से सिंपल भाषा में समझाएंगे, आराम से समझिएगा एक ही चीज को। तो बेसिकली हुआ यहाँ पर ये कि जैसे ही लाइट को ऊपर से फेंक के मारा तो हमको एक करंट देखने को मिलती है बाहर के सर्किट में, और इस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। अब हर्ट्ज ने ऐसा कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उन्होंने रीजन ये दिया कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब इलेक्ट्रॉन जब सॉरी जब लाइट जो है इस मेटल की प्लेट के ऊपर गिरेगी तो इस मेटल की प्लेट के ऊपर से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से समझिएगा एक बात और, जो फोटोसेंसरी प्लेट होगी वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए और जो कलेक्टर प्लेट होगी वो प्लस टर्मिनल से कलेक्ट होनी चाहिए। ऐसे कनेक्शन करने से क्या होगा? कनेक्शन करने से ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये मुझे बताइए, अगर ये वाली प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट है तो क्या ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी और सामने वाली प्लेट कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो इस यहां पर रिपल्शन की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे? भाई क्या इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे, सोच के देखो। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा इस तरफ, और ये जो प्लेट होगी ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी, इसलिए इसका नाम बोला गया कलेक्टर प्लेट। और इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और यहां से आके वापस पूरा सर्किट बनाएंगे। तो क्या एक करंट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? इसी इफेक्ट को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। और जो यहां पर आपको करंट देखने को मिलेगी, इसी करंट को बोला गया फोटो करंट। इसी को क्या बोला गया? फोटो करंट। क्या बेसिक सिंपल सा आपको कंस्ट्रक्शन या फिर इसकी बेसिक सी वर्किंग क्लियर हुई? सिंपल है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है भाई? जैसे ही लाइट फेंक के मारी वहां पर करंट देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे ही लाइट को ऑफ कर रहे हैं करंट देखने को नहीं मिल रही है, सीधी सीधी बात है। अब अगर मैं बात करूं, अब आपको समझना क्या, आगे देखिए मैं आपको समझाता हूँ आगे वीडियो चलेगी कैसे। आगे वीडियो चलेगी ऐसे कि अब हमको ये समझना है और हर्ट्ज को भी ये समझना है, मतलब साइंटिस्ट लोगों को भी ये समझना है, हमको भी ये समझना है, और हमें आपको यही समझाना है कि ये जो करंट होगी, ये जो करंट है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अभी हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि लाइट को फेंकने से, लाइट रे को फेंकने से करंट मिल रही है, तो इसका मतलब लाइट जो है वो तो वेव है। अगर वो वेव है तो इसका मतलब क्या ये करंट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी? देखना पड़ेगा। क्या ये करंट वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी? क्या ये करंट इस पोटेंशियल पर भी डिपेंड करेगी? किन किन चीजों पर, किन किन पैरामीटर्स पर ये करंट डिपेंड करेगी, अब हमको प्रैक्टिकली देखना है, है ना। अब हमको प्रैक्टिकली देखना है। अब हम क्या काम करेंगे, हम इन दोनों चीजों को कांस्टेंट कर देंगे, एक चीज को बढ़ाएंगे एक चीज को घटाएंगे, मतलब हम वेवलेंथ को चेंज करके देखेंगे, फ्रिक्वेंसी को चेंज करके देखेंगे, पोटेंशियल को चेंज करके देखेंगे, और फिर हम बहुत सारे डेटा निकालेंगे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और उसकी मदद से फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एंड में लॉज लिखेंगे जो उसका ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगा। क्या बात समझ में आती है? सिंपल बात क्लियर है? तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही है, ठीक। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेंज के लिए, ध्यान से ना। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, आराम से इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भाई इंटेंसिटी आप सभी को भाई पता है ना, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी मतलब उसकी ब्राइटनेस, ठीक। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये कहा गया कि अगर फ्रीक्वेंसी को, दिस इज फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को या फिर लैम्डा जिसे आप कहते हैं, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं और जो पोटेंशियल है उसको भी मैं कांस्टेंट कर दूं, मतलब यहाँ पर हो ये रहा है कि हमने क्या काम करा, लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इस पोटेंशियल को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चीज को चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी को, आई फॉर इंटेंसिटी, हम सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, ये हमारी वेरिएबल रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी? वेरिएबल। अच्छा, करंट के लिए मैं स्मॉल आई यूज कर लेता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी आपको, स्मॉल आई, ठीक। तो अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि भैया फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को हम चेंज नहीं करेंगे, पोटेंशियल को चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज करेंगे लाइट की इंटेंसिटी, मतलब अगर रेड लाइट, रेड कलर की लाइट है तो हम ज्यादा उसकी से ब्राइटनेस बढ़ाएंगे,
लाल को और लाल करेंगे, लेकिन कलर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही कलर चेंज होगा वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो हम सिर्फ उसे क्या चेंज करेंगे, उसकी ब्राइटनेस को चेंज करेंगे। अब जैसे जैसे भैया ब्राइटनेस को चेंज करते गए करते गए करते गए, तो ये ऑब्जर्व हुआ कि जो फोटो करंट है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है, जो भी चीजें ऑब्जर्व होंगी उन सारी ऑब्जर्वेशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करा जाएगा। सो प्लीज आराम से ग्राफ को समझिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको जब समझ में आएगा जब आप ग्राफ को अच्छे से अपने दिल में, है ना, ऐसे करके अपने दिल में उतार दो। ठीक भैया, आ जाए दर्दे। तो एक ग्राफ प्लॉट कराया गया, ग्राफ आया भैया कुछ इस तरीके से। ये हो गया इंटेंसिटी, है ना, क्योंकि हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, ये हो गया करंट, और ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ हमको ये बताता है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब क्लियर होता है कि करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां तक क्लियर है तो बताइए, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? इसे ये चीज समझ में, ध्यान समझ, इसे ये चीज समझ में आती है कि जो नंबर ऑफ एक चीज, जो भी मेन मेन चीज समझ में आएगी, जो भी हम एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से जो चीज रिजल्ट निकालेंगे, मैं उनको बादल में बनाऊंगा, ठीक है, आराम से समझना। इस पूरी कहानी से अपने को ये समझ में आया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमारी हो गई पहली चीज, ये रहा बादल, पहला बादल, ठीक है। तो नंबर ऑफ, इससे ये चीज समझ में आई कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 50 निकलते हैं, 100 निकलते हैं, 200 निकलते हैं, 400 निकलते हैं, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, मतलब कि ब्राइटनेस पर, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा क्यों होगा उतना ज्यादा करंट होगी। क्या ये पहला इफेक्ट समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हटा दें, नेक्स्ट। सेकेंड आपको बताते हैं, सेकेंड सेकेंड इफेक्ट हमारा होगा, अभी हमने क्या काम करा, अभी हमने इंटेंसिटी को चेंज करा, बाकी दोनों को कांस्टेंट कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करेंगे, बाकियों को चेंज करेंगे। अब जरा देखो एक एक करके चेंज करते हैं, आ जाओ। सेकेंड है हमारा इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज की, अगर मैं वोल्टेज को बदलू, ध्यान समझे ना, अगर मैं वोल्टेज को बदलू तो क्या होगा? अब वोल्टेज कौन सा, ये वाला वोल्टेज, ठीक। तो यहां पर अगर आप ध्यान से आराम से समझिएगा सिंपल भाषा में, अगेन यहां पर भी जो फ्रिक्वेंसी है या फिर जो वेवलेंथ है वो हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, और जो हमारी इंटेंसिटी है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी। मतलब ना हम ब्राइटनेस को नहीं बढ़ा रहे, अगर रेड कलर की लाइट है तो रेड कलर की ही रहेगी, और ना ही उसकी ब्राइटनेस को चेंज कर रहे हैं, तो दोनों चीजें कांस्टेंट रहेगी। अब हम बढ़ाएंगे सर इसको, अब हम किसको बढ़ाएंगे, इसको, इसको इंक्रीज करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे, अब हम ये करेंगे। तो जरा देखें भैया ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, मैं आपको पहले ग्राफ बना के दिखाता हूँ फिर हम इसको समझेंगे। ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हमारा हो गया अप्लाइड पोटेंशियल, और ये हो गई करंट जो हमको मिलेंगे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आराम से ग्राफ कुछ आता है ऐसे करते हैं। अच्छा, इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा है, जब प्रैक्टिकली हमने देखा तो प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से देखा कि अगर मैं इस पॉजिटिव पोटेंशियल को, देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब कि जब प्लस इलेक्ट्रो प्लेट से कनेक्ट हो, जब मैं इस पोटेंशियल को इंक्रीज करता रहूंगा, अच्छा पोटेंशियल को इंक्रीज करता रहूंगा तो क्या यहाँ पर प्लस बढ़ता रहेगा और यहाँ पर माइनस बढ़ता रहेगा? भाई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से होगा क्या कि इन दोनों प्लेट्स पे प्लस माइनस इंक्रीज होता रहेगा। अब इंक्रीज होने से होगा क्या, इंक्रीज होने से ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स और जल्दी जल्दी भागेंगे क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ गई। अब जल्दी जल्दी भागने से क्या अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर टाइम कम लगेगा तो करंट बढ़ जाएगी। क्या ये लॉजिक समझ में आया? मतलब पोटेंशियल को इंक्रीज करने से करंट बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये जीरो है, ये जीरो है,
आप रहे पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, ध्यान समझो। बढ़ाते 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 एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी जहां पर करंट फर्दर चेंज नहीं होगी। एक सेकेंड रुकिए, क्लियर? मतलब वो बेसिकली ये रहा है कि आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये वाला पॉइंट, ध्यान से समझना, दिस इज कॉल्ड VS, जहां पर करंट मैक्सिमम होगी। जहां पर करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। उस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सेचुरेशन करंट। ध्यान समझना, ये जो IS आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट, ठीक है। और ये जो VS आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन, सेचुरेशन पॉजिटिव पोटेंशियल, सेचुरेशन पॉजिटिव पोटेंशियल। अगेन पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है कि जब पॉजिटिव प्लेट जो होगी वो कलेक्टर प्लेट से कनेक्टेड होगी। क्लियर? तो ये वाली बात समझ में आई, आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर करंट बिल्कुल मैक्सिमम होगी, उस करंट को सेचुरेशन करंट कहेंगे और उस पोटेंशियल को कहेंगे सेचुरेशन पोटेंशियल, ठीक। अगर आप इसके फर्दर जाओगे तो फिर कोई करंट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक। अब हम क्या काम कर रहे हैं? अब हमने अभ्यास बना, हमने क्या काम करा? अब हमने पोलैरिटी बदल दी। भाई साहब, पोलैरिटी बदलने का मतलब ये है कि हमने इसको नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। ध्यान समझो, इसको आराम समझना। अगर मैं इस चीज को नेगेटिव कर दूं और इस चीज को पॉजिटिव कर दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन अब फील करेंगे? भाई पहले तो प्लस था, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, जल्दी जल्दी भाग रहे थे, लेकिन हमने क्या काम करा? हमने इलेक्ट्रॉन्स को धोखा कर दिया। धोखा भैया ऐसा करा कि सामने को कर दिया नेगेटिव। भैया सामने पहले प्लस प्लस देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन भैया पागल हो गए प्लस को देखकर। वो कहने लगे अच्छा भैया प्लस है तो भागो भागो भैया भागो, सबके सब भागने लग गए प्लस की तरफ। और जैसे ही भैया वो पहुंचने लगे, जैसे उस तरफ पहुंचे, हमने क्या काम करा? हमने बैटरी उल्टी घुमा दी। जैसे उल्टी घुमा दी तो सामने क्या आ गया? सामने वाली प्लेट में क्या आ गया? माइनस। अब वो बेचारे ऐसे करके रुक रहे हैं, अरे 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 जी का हो गया। क्या रिपल्शन फील होगी? रिपल्शन फील होने से क्या भाई वो दूर भागेंगे? अरे भाई भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो उस रिपल्शन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो इस तरफ जाएगा, तो जरा मुझे बताइए क्या करंट डिक्रीज होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। तो होगा यहां पर ये कि अगर मैं इस नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाता हूं, नेगेटिव पोटेंशियल को मतलब अब मैं यहां से पीछे की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं पोटेंशियल घटा रहा हूं घटा रहा हूं घटा रहा हूं, तो पोटेंशियल एक करंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, करते 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 मैं जीरो पर आ गया। मैंने मान लो -50 था, तो -50 से 40 30 20 10 जीरो। अब जीरो से मैं माइनस में जा रहा हूं, -10। अब जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल मैं बढ़ाता रहूंगा, करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहेगी, और एक पोटेंशियल ऐसा आएगा, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा भाई मेरे, जहां पर करंट जीरो होगी, और उसको हम बोलते हैं विनोड। उसको हम क्या बोलते हैं? विनोड। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई मेरे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको एक और नाम से जाना है, कट ऑफ पोटेंशियल। ध्यान से समझेंगे भैया, विनोड बेसिकली एक वो पॉइंट है पोटेंशियल का जहां पर करंट हो जाती है जीरो, और इसको बोले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या ये वाला लॉजिक समझ में आया कि नहीं? आराम से देखिएगा वीडियो को, एक बार पीछे कर लीजिएगा 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर से सुनिएगा चीजों को ध्यान से बिल्कुल। क्या यहां तक क्लियर है? तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये हमने अभी किस चीज का ग्राफ बनाया? अगर हम पोटेंशियल को चेंज करें और करंट को और फ्रिक्वेंसी को चेंज ना करें, मतलब करंट, सॉरी, करंट को कह रहा हूँ, इंटेंसिटी को चेंज ना करें। अगर मान लो, अब ध्यान से बना, अगर मैं अलग अलग इंटेंसिटीज में ये वाला पोटेंशियल भी चेंज करूं, आया समझ में? कुछ नहीं आया। अब मैं क्या काम करूं, ध्यान समझेंगे। अब मैं आपके लिए इंटेंसिटी, अच्छा पहले ये नोट करो, पहले ये नोट करो, जगह का ये नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? हो गया, हटाए, चलो ग्राफ समझ में आ गया आपको, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या काम कर रहे हैं? अब अलग अलग इंटेंसिटी भी वेरी करेंगे, है ना, इंटेंसिटी भी वेरिएबल रहेगी और हमारा पोटेंशियल भी वेरिएबल रहेगा, दोनों चीजें वेरिएबल रहेगी, बट फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में हम कोई अभी चेंज नहीं कर रहे। तो जरा देखो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ क्या बन रहा है, अब मैं समझाता हूँ आपको हुआ क्या, हम कर कैसे रहे। हमने सबसे पहले I1 इंटेंसिटी की लाइट फटके मारी, हमने क्या काम करा? पोटेंशियल बढ़ाया, सेचुरेशन तक गए, वापस घटाते 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 स्टॉपिंग पोटेंशियल तक गए।
फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर हम सैचुरेशन तक गए, फिर घटाते घटाते स्टॉपिंग पर आ गए, फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, हम ऐसे कर करके ग्राफ बना रहे। मतलब कि आई वन इंटेंसिटी पे हमने पोटेंशियल का और करंट का ग्राफ बनाया, आई टू इंटेंसिटी पे हमने पोटेंशियल करंट का ग्राफ बनाया, आई थ्री इंटेंसिटी पे हमने पोटेंशियल करंट का ग्राफ बनाया। तो ग्राफ देखो कैसा है, ग्राफ आया कुछ ऐसा। देखे भाई ये ग्राफ आया, अब इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है जरा बताओ भाई, क्या समझ में आ रहा है? अरे बहुत सारी बात समझ में आ रही है इस ग्राफ से। समझो ये देखो, अगर आपको ये चीज गिवन है कि आई थ्री इज ग्रेटर देन आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, मतलब हमने क्या काम करा, हमने सबसे पहले आई वन इंटेंसिटी पे ग्राफ बनाया। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बनता है वी नॉट, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम आई टू मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी बढ़ाने से सेचुरेशन करंट तो बढ़ रही है, देखो ना ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें IS1 is less than IS2 is less than IS3, मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो सेचुरेशन वैल्यू है करंट की, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, जो करंट है वो तो इंक्रीज होता है, लेकिन 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 स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता भाई साहब। मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर -10 वोल्ट का नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जब रुकेंगे जबी तो करंट जीरो होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या था कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर करंट जीरो हो जाए, और करंट जीरो तभी होगी जब सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो अगर मान लो -10 वोल्ट का मान लीजिए पोटेंशियल चाहिए, तो चाहे तुम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, -10 पोटेंशियल का ही है। इससे क्या चीज समझ में आती है, इससे एक चीज यहां तक क्लियर होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही। अरे खुद सोचो ना, अगर लाइट की इंटेंसिटी में बढ़ाता रहता तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बढ़ती रहती, और अगर इनकी एनर्जी बढ़ती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती भाई, लेकिन अलग अलग तो है ही नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि एनर्जी, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है तो आपको नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा डालना पड़ेगा उनको रोकने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, कितनी भी ब्राइटनेस बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि -10 वोल्टेज ही काफी है सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है, मेन पॉइंट आ रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी। अरे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई साहब, क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से देखिए, नोट करिए इस चीजों को, और एक बार अगर समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए, एक बार पीछे करिए। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड। अच्छा, थर्ड चीज क्या है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अप्लाइड पोटेंशियल भी चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको चेंज नहीं करेंगे। जरा देखो ग्राफ कैसा आएगा, देखो भाई ध्यान से, जैसे अभी हमने अलग अलग इंटेंसिटीज पे पोटेंशियल को चेंज करके ग्राफ बनाया, अब ऐसे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ग्राफ बनाएंगे। अब जरा देखो क्या आएगा ग्राफ, देखिए भाई इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर? ध्यान समझिएगा, सबसे पहली चीज ये ध्यान समझिएगा, पहली चीज यहां पर एक चीज ऑब्जर्व हुई जिसका नाम था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आराम समझेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नोटेड बाय न्यूमैन। साइंटिस्ट लोगों ने मतलब कि हर्ट्ज ने एक बड़ी खतरनाक सी चीज ऑब्जर्व करी। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर मान लीजिए कोई भी एक मेटल है ना, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कॉपर का मेटल, अभी एक कॉपर का मेटल है, अब इस कॉपर के मेटल में आप किसी भी कलर की लाइट फेंक के मार सकते हो, किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट फेंक के मार सकते हो, है ना, 100 हर्ट्ज की, 200 हर्ट्ज की, 300 हर्ट्ज की, 400 हर्ट्ज की, कितने भी फेंक के मार सकते हो। ये हर हर्ट्ज मतलब हर फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन सेमेंट नहीं कर रहा, फिर चाहे इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो, समझो इस चीज को। फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इसको अंदर का जो इलेक्ट्रॉन बैठा है ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मुझे क्या काम है ना, मुझे फ्रिक्वेंसी चाहिए 50 हर्ट्ज की। अगर लाइट, वो लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होगी, अगर वो मेरे ऊपर गिरी तो मैं उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाऊंगा, बस ये मैं करता हूँ, मैं उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे भैया 50 से कम 50 हर्ट्ज की मतलब 50 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी मिली तो मैं बाहर नहीं निकल रहा, ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। मतलब ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा जो कॉपर के अंदर है, इसको 50 हर्ट्ज की तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए चाहिए, अगर उसको 50 से कम मिली तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इसको 50 या 50 से ज्यादा मिली तब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आ जाएगा। इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहा गया। बड़ी अजीब सी चीज देखी गई पहले, मतलब बहुत अजीब सी चीज ये देखी गई कि भैया फ्रिक्वेंसी भी एक पर्टिकुलर है, इलेक्ट्रॉन जो अंदर बैठे हुए हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही बाहर आएंगे, ऐसे नहीं कि आप किसी भी लाइट के किसी भी कलर की लाइट को फेंक के मार दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ना ना ऐसा होगा ही, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, फ्रिक्वेंसी पे। तो पहली चीज ये देखी गई दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको पता क्या बोला गया, इसको बोला गया कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस मतलब कि मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसको बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अगर यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन इमिजन नहीं होगा, याद रखेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन इमिजन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से या उसके इक्वल हुई तो इलेक्ट्रॉन इमिजन होगा। ये वाले बात समझ में आती है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब हमें ये समझना है कि भैया फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जाते गए या कम जाते गए और फिर पोटेंशियल को भी चेंज करते रहे तो ग्राफ कैसा बनेगा। जल्दी से पहले इतना नोट करेंगे, नोट वन देखो जरा, देख भाई जरा ध्यान से, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हो गया हमारा करंट। तो ग्राफ कुछ ये आया, यहां से देखना अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, देखो ये देखें भाई ग्राफ कैसा आ रहा है, इस ग्राफ से जरा समझाना क्या आ रहा है। ग्राफ से पहली चीज ये समझ में आ रही है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, सुनना ध्यान से, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो क्या IS मतलब सैचुरेशन करंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है? नहीं, मतलब ये पहली बात जो इस ग्राफ से समझ में आती है दैट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रिक्वेंसी। अरे भाई वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, कितने भी फ्रिक्वेंसी हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी पर, सुनना ध्यान से। दूसरी चीज हमको ये चीज समझ में आती है कि फ्रिक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ा लो सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक चीज चेंज हो रही है दैट इज स्टॉपिंग मॉड्यूलेशन।
अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये कि ये जितना अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर इसको ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव चाहिए उनको रोकने के लिए। आया समझ में? नहीं आया? अरे खुद सोचो ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के चक्कर में अप्लाइड पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको और नेगेटिव में लेके जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चीज समझ में आती है, लॉजिकली समझ में आ रही है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अगर नेगेटिव इसको और ज्यादा नेगेटिव करना पड़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई है, और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई है तो इसलिए पहले अगर मान लो वो -10 वोल्ट पे रुक रहे थे सारे के सारे, अब वो -20 वोल्ट पे रुक रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी बढ़ गई, ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ रहा है जब जाके वो बेचारे रुक रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ, द सेकंड पॉइंट इज जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी इज डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। मतलब फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो भैया फ्रिक्वेंसी जो है, दो पॉइंट यहां समझिएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी बढ़ाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन्स को, बट हाँ वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा उसके लिए नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक बार सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्टर के अंदर बैठा है, अब इसको पहले मिनिमम खाना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि भैया 50 हर्ट्ज की मिलूंगा तब मैं बाहर निकलूंगा, तो पहले तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव करना पड़ेगा कि हाँ भाई इतनी फ्रीक्वेंसी है, और आप उसके ऊपर घेरोगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी को देखेगा, अब वो बाहर आ जाएगा। अब उसके एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, क्या उससे ज्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी देते हो, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। दूसरी चीज, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एक निकलता है, दो निकलता है, तीन निकलता है, वो डिपेंड करेगा वो जो लाइट आप दे रहे हो उसकी इंटेंसिटी पर, उसकी ब्राइटनेस पर। ये ऑब्जर्वेशंस थे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे गए। देखिए यहां से यहां तक कुछ क्लियर है? तो अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उनको एक एक करके हम लॉ में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्लियर? चार या पांच है, जल्दी से देखेंगे, हटाए इसको, देखो भैया से देखिए मेरे यहां से, दैट इज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कौन कौन से लॉ थे जरा एक एक करके, जितने भी अभी तुमने तुम्हें जितने भी गाथा बताई है ना उनसे ही लॉ निकलेंगे, तो एक एक करके लॉ बताते हैं। सबसे पहला लॉ क्या निकल कर आया? पहला लॉ ये निकल कर आया, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एमिटेड, जो एमिट हो रहे हैं वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। पहला लॉ मतलब कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान से बना, दूसरी चीज यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कही, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ओनली एमिट व्हेन लाइट हैज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू और मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन्स जब भी एमिट करेंगे जब फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, नो मैटर की लाइट कितनी इंटेंस है, नो मैटर इंटेंस द लाइट ये मैटर नहीं करता लाइट कितनी इंटेंस है, इससे मैटर कर ही नहीं रहा भाई साहब। ठीक, तीसरी चीज क्या समझ में आती है यहां पर? तीसरी चीज ये क्लियर होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे बताओ, किस पे कर रहा है? फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी।
फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। चौथी चीज जो काम की चीज है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी किसके इंडिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एंड द फिफ्थ जो अभी मैंने कोई डिस्कस नहीं करी, फिफ्थ चीज यहां पर बेसिकली ये देख रहे हैं कि जैसे लाइट गिर रही है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब यहां पर कोई भी टाइम लैगिंग नहीं है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से ना, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 5 लॉ हैं जो अभी हमने ग्राफ से समझे। ये जो ऑब्जर्वेशंस आई, अब याद रखिएगा ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इनके रिजल्ट्स, इनके रीजंस अभी हमें इतना क्लियर नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है जो उस एक्सपेरिमेंट से निकल कर आए। और कमाल की बात पता क्या है, कमाल की बात ये है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। तो क्लासिकल वेव थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, जो क्लासिकल वेव थ्योरी हमारी, वो इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। और ये एक और फेलियर होता है क्लासिकल थ्योरी का, क्लासिकल मैकेनिक्स का। उससे पहले मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाया था, है ना, तो वो भी एक फेलियर था, ये भी एक फेलियर। ये भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर आइंस्टीन थ्योरी भी आएगी, मतलब आइंस्टीन और प्लैंक्स दोनों मिलकर एक थ्योरी डेवलप करेंगे इसको समझाने के लिए, ठीक। तो आपको ये समझने वाली बात है, ध्यान समझना, देयर इज फेलियर्स, लास्ट जो चीज हमारा फेलियर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अब कैसे फेल हुई ज्यादा समझो, क्लासिकल वेव थ्योरी कैसे फेल हुई जरा बताओ भाई। पहली चीज जो क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है, अभी क्लासिकल वेव थ्योरी बोलती है, सुनना ध्यान से, क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती है कि जो इमिशन होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा वो तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा तो इंटेंसिटी बढ़ा दो, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा तो इंटेंसिटी बढ़ा दो। यहां पर क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती है, मतलब वो कहीं पर भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि नहीं नहीं भैया, कितनी इंटेंसिटी बढ़ा दो उससे कुछ नहीं मैटर करता, पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव करो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फिर चाहे इंटेंसिटी बिल्कुल मंदी सी हो, अरे बिल्कुल भैया भुजी हुई लालटेन ही क्यों ना हो, अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर रही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ये क्या कहती है, ये कहती है इंटेंसिटी बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला ना तो बढ़ाओ इंटेंसिटी, बढ़ाओ भाई साहब, भैया इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है भाई। दूसरा देख, एक और काम की चीज देख, मस्त चलेगा अभी तो। दूसरा देख, दूसरा यहां पर क्या बोलते हैं, दूसरा ये बोलते हैं कि टाइम लैग की बात यहां पर करी जाती है, यहां पर ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन होएगा ना, इलेक्ट्रॉन वो टेक्स टाइम टू एब्सॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने में समय लेगा भैया, एनर्जी अब्सॉर्ब करने कुछ समय लेगा, एनर्जी लेगा कि आड़ दे खाएगा पिएगा फिर बाहर निकलेगा, वो ऐसा क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है। अच्छा समय क्यों आ रहा है, क्योंकि अब्सॉर्ब कर रहे हैं, बट यहाँ पर तो भाई से हो रहा है, जैसे लाइट पे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई साहब, समय का एक सेकंड का भी अंतर नहीं, यहाँ पर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तीसरी चीज जो यहाँ पर बोली जाती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब भैया लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, अरे भैया ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मतलब क्लासिकल वेव थ्योरी की जितनी भी चीजें थी वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती, तो ये एक मतलब एक और फेलियर है क्लासिकल वेव थ्योरी का। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन अगेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देती है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, आप प्लीज यूट्यूब में जाकर उसको उस वीडियो को देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैंने एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझाई इसमें।
है। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आइंस्टीन और प्लैंक ने कौन सी इक्वेशन बनाई और कैसे ये जितने भी रिजल्ट्स आप देख रहे हैं इनको एक्सप्लेन करा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।